एक सप्ताह पहले में खकनार तहसील के अंतर्गत ग्राम शेखापुर में बहन भाई द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी, जिसमें संदीप राजपाल पालवी के जेब से पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया था, जिसमें मृतक ने गांव के ही युवक रोहित महेंद्र इंगले का नाम लिखा था, जिसमें पुलिस ने शंका के आधार पर रोहित को पूछताछ करने के लिए खकनार थाले में लाया गया। इसी के चलते सैकड़ों की गिनती में जिसमें महिलाएं व ग्रामवासी एवं समाजजन थाने एकत्रित हुए, जिनका कहना है कि उक्त घटना से रोहित महेंद्र ले शेखापुर का कोई संबंध नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। इस संबंध में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोड्डा के नाम खकनार थाना प्रभारी के पी ध्रुवे को ज्ञापन सौंपा गया व निवेदन किया गया कि अन्य किसी व्यक्ति विशेष अथवा जाति विशेष को परेशान न किया जावे एवं उक्त घटना की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। खकनार से भाई साहब, आज ये आप थाने में किस सिलसिले में ज्ञापन सौंपने आए? ये जो हत्या हुई है फांसी लगाकर शेखापुर में, इसके विरोध में एक महार जाति का लड़का है, क्या नाम उसका? रोहित। उसको उठा के लाया था पुलिस ने, दो तीन दिन रखा, फिर उसको कल छोड़ दिया, फिर उसको परेशान किया जा रहा था कि भाई इसकी निष्पक्ष जाँच की जाए, वो जो दोषी है उसको सही मायने में सजा हो और जो निर्दोष है उसको छोड़ा जाए। इसके लिए हमने ज्ञापन टीआई महोदय को दिया है, थाना प्रभारी महोदय को, कि निष्पक्ष करके जांच की जाए, उस दोषियों को सजा मिले और निर्दोष जो है उसको छोड़ा जाए, कोई भी प्रकार की किसी को भी परेशान ना करा जाए। तो टीआई साहब द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? टीआई साहब ने कहा है अभी कि हम जांच कर रहे हैं, जो भी दोषी होंगे उसको सजा हम देंगे और निर्दोष को परेशान नहीं करेंगे। आपका नाम? जितेंद्र इंग्रे, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष। सर, आज ये कुछ लोगों द्वारा आपको सर ज्ञापन सौंपा गया, तो सर क्या है सारा मामला? शेखापुर में दो मर्ग कायम हुआ है, जिसमें एक महिला और एक उसके नाबालिग भाई की सुसाइड की है। उस संबंध में मर्ग कायम कर जांच चल रही है। उस संबंध में मृतक पक्ष से जो है जयस की ओर से जो है उनके सामाजिक संगठनों के लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। सुसाइड नोट में जिस का नाम था उस संबंध में भी जो है वो समाज के लोग जो हैं बहुजन समाज के, उनके द्वारा भी ज्ञापन दिया गया है। तो जो है उनकी जो जांच की जा रही है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा।